आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी। मोतीचूर के लड्डू जैसे दिखने वाले ये स्पेशल लड्डू बनेंगे दलिया से। गेहूं की जो दलिया होती है ना, उसी से हम ये लड्डू बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी भी होंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करें। दलिया की ये हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए हमने गैस पे कुकर रख लिया है। कुकर में ये बनने वाली है रेसिपी, और इस कुकर में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी। घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हम इसके लड्डू बनाने वाले हैं। तो 2 चम्मच भर के हमने यहाँ पे घी डाल दिया है, और इसके मेल्ट होते इसी में साथ में हम दलिया डाल देंगे। तो जिस भी बर्तन से आप नापेंगे ना, किसी चीज़ से नाप के डालिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें पानी डालना होगा। मैंने 1 कप दलिया डाला। फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे चलाते हुए भूनना है। मेहनत बस इसे भूनने में ही है, बाकी तो ये झटपट बन जाता है। तो भूनने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीमी धीमी आंच में बढ़िया सुनहला सा इसे भून करके हमें तैयार करना है, और बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी भून चुका है, लेकिन थोड़ा सा अभी और भूनेंगे। इसका कलर हल्का ब्राउन सा हो जाएगा ना, तब तक हम इसे भूनेंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची भी हमने कूट के डाल दी है ताकि इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। और अभी आप देख सकते हैं ये बढ़िया से भून चुका है। इसका कलर आप देख रहे हैं ना, गोल्डन ब्राउन सा दिख रहा है, हर एक दाना फूल चुका है। तो अब ये दलिया भून करके तैयार है, तो हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। जितना हमने दलिया लिया है उसका डबल हमें पानी लेना है। और ध्यान रखिए, अगर दलिया ज़्यादा मोटे दाने की है तो आपको 2 कप से थोड़ा ज़्यादा आपको पानी डालना होगा। दलिया के बराबर ही हमने चीनी ली है, वो डाल दी है। तो यहाँ मैं डबल पानी डाल रही हूँ। आप जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर दलिया के दाने थोड़ा मोटे हैं। तो बस अब हमने पानी डाल दिया, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसा है। हल्का सा बस फूड कलर डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ही काफ़ी है। कलर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे, और कुकर का ढक्कन लगा करके हम इसे कुक करने वाले हैं। 2 विसल तो पहले हमें मीडियम फ्लेम पे कर लेनी है, पर 10 मिनट आप इसे लो फ्लेम पे पका सकते हैं। अगर आपको लगता है बाद में पकने के बाद कि थोड़ा सा पानी कम है या दलिया हार्ड रह गया, तो आपको वापस थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर उसे पका लीजिए। तो बस अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर हमने अपने आप निकलने दिया है। 2 विसल के बाद 10 मिनट कुक किया है, और ये दलिया बहुत ही बढ़िया सा खिला खिला सा दिख रहा है। ये देखिए बढ़िया से पक गया है, ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें। तो बस अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और अभी हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मिक्स करने वाले हैं। दलिया को पहले दबा के चेक कर लेना है, अगर वो ठीक से कुक नहीं हुआ है तो उसे वापस थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, या कड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के कुक कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया मोतीचूर के लड्डू जैसे इसमें दिख रहा है ये। तो हम इसमें अब थोड़ा सा नारियल डालेंगे। कद्दूकस किया हुआ नारियल हम 2 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इन चीज़ों को डालने से इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। और यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर भी लिया था, वो भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डालने से लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी ये गर्म है तो मैं स्पून से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा होने पे भी मिक्स कर सकते हैं, फिर हम उसको हाथ से आसानी से मिला पाएंगे। और यहाँ देखिए पूरा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब हम आराम से इसे छू पा रहे हैं। बिल्कुल ठंडा मत करिएगा। और अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं, और फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और देखिए हाथ में ज़्यादा चिपक भी नहीं रहे हैं। फटाफट से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। ऊपर से अगर आप इसे गार्निश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया दानेदार सा लड्डू ये बन करके तैयार हो गया है ना। तो बस इसी तरह से हमें सारे दाने लड्डू बन करके तैयार करने हैं। ये देखिए, तो इन्हें हम प्लेट में रखेंगे, दूसरा लड्डू बना लेते हैं, और फटाफट से सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये जो लड्डू बनते हैं ना, वो हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए बढ़िया सा लड्डू बनता जा रहा है ना, और फटाफट बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा चिपकता भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितना अच्छा सा लड्डू बना है ना। तो इसी तरह से झटपट हम सारे लड्डू बना करके तैयार करने वाले हैं। ये देखिए
ये एक और मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल अलग अलग सारे खिले हुए दाने दिख रहे हैं, जैसे मोतीचूर का लड्डू होता है ना वैसा ही ये बिल्कुल हमें दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस दलिया भूनना है, पकाना है और लड्डू बनाना है। तो ये देखिए मैंने एक डिब्बे में रख लिया है लड्डू, काफ़ी सारे लड्डू बन रहे हैं, अभी थोड़े से और भी हैं मैंने प्लेट में रखे हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस ये लड्डू बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल दानेदार। ये आप बिल्कुल पास से देख पा रहे हैं, दानेदार से लड्डू दिख रहे हैं और यहाँ मैंने सारे एक साथ रख लिए हैं और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। पूरा डिब्बा भर के मिठाई बन गई है सिर्फ एक कप दलिया की। तो अभी आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दिख रहा है। इसी तरह से अगर आपने लड्डू बनाया तो आपके घर में सबको ये पसंद आएगी, और जब पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।